अभी भी आप लोग देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या है गरीबों की। आखिर ये लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं, कौन है? आदरणीय लालू जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी के मांग पर आप लोगों को भी पता है कि आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय जनगणना कराने की जो मांग पार्लियामेंट में लोगों ने किया था वो हुई, लेकिन पब्लिसाइज नहीं हुई। हम लोगों की मांग है कि भाई जाति जनगणना हो और उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाए। और हम लोग इसी दौरान में, क्योंकि एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। यह चिट्ठी जो है आप लोगों को मोबाइल में जो है हम पहुंचवा देंगे, आप लोग उसमें सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमको ये उम्मीद और आशा है कि कहीं ना कहीं से हम लोगों की जो ये लड़ाई जो है, जो मांग जो है, जो देश हित में है, राजहित में है, जनहित में है, इस पे, क्योंकि दोनों जगह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, करना इन्हीं लोगों को है। इसीलिए हम बिना भेदभाव के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जा कर के उनके कक्ष में बिहार विधानसभा के सभी नेता, विरोधी दल जितने लोग हैं, सब लोगों के साथ जा कर के मिले कि भैया आप समय लीजिए, आपके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। तो कहीं ना कहीं से अगर एक हफ्ते से समय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हम ट्वीट हैंडल देखते हैं तो लगातार औरों से मिलने का समय है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण इशू पर अगर उनको, नीतीश कुमार जी को, पूरे बिहार विधानसभा के जितने दल हैं उनके नेताओं का एक डेलीगेशन मिलना चाहता है, अगर नहीं मिल पा रहे तो कहीं ना कहीं से जो है, अब ये ज़्यादा हम नहीं बता सकते, लेकिन अब तक तो समय मिल जाना चाहिए। तो इसमें हम चिट्ठी लिख करके उनसे फिर से हमने अपील की है, गुहार की है कि भाई ये जो समय जो है ये हम लोगों को मिलना चाहिए। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय लालू जी लगातार कई बार, एक बार नहीं कई बार, सड़कों पर भी उतर करके जातिगत जनगणना की जो है वो मांग उन्होंने की थी और इसकी शुरुआत की थी। तो आज हम इसी सिलसिले में सोचे कि आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिंदु पर जो है हम लोग चर्चा करें। और ये जब जातिगत जनगणना होगी तो लोगों के लिए अलग से योजना बनेगी, जो पिछड़े हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उन समाज के लिए, उसके उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, वैसे समाज के लिए कई बार जो है नौकरियां भी बढ़ेंगी, लोगों को नौकरी भी मिलेगी, आर्थिक स्थिति भी उनका सुधार होगा, गरीबी से भी उभार पाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे